विनीत मालवी, मैनेजर बूसाराम भगवान दास पेट्रोल पंप। कैसे यहाँ हम सब पानी बरसती है और भर जाती है तो कितनी दिक्कतें होती हैं? अरे पूरा बिक्री बंद हो जाता है, टैंक के ऊपर पानी चढ़ जाता है, पानी निकालने लगे। और ये दिक्कत ये सामने फ्लाईओवर बनने के पहले नहीं थी। मेरा पंप ऊँचा था, फ्लाईओवर बनने के बाद फ्लाईओवर से भी जितना पानी आता है सब मेरा लो लैंड हो गया है। इस वजह से सारा पानी मेरे पंप के अंदर चला आता है। और अब कंपनियों भारत पेट्रोलियम से अनेक दफ़े कहा गया कि मेरा पंप का ऊँचा कर दे, ये उनको ऊँचा करना है, वो अभी तक ऊँचा नहीं किए हैं। तो इसका समाधान कोई नहीं, और न ही नगर निगम और PWD के द्वारा फ्लाईओवर से पानी निकलने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाता है। और मेरा लोग उनके लिए सीवर बना नहीं है जो कि मेरे ही कैंपस में आकर के इकट्ठा हो जाता है। जब कितनी नुकसान होती है? नुकसान दो दो तीन तीन दिन पंप बंद हो जाता है जब तक पानी नहीं निकलता है। आगे सीवर लाइन चौक हो गई तो पानी नहीं निकलेगा, जो है बुलाना पड़ता है नगर निगम वालों को, मशीन वशीन लेके आते हैं तो खोलते हैं तो पानी निकलता है, तो बिक्री चालू होती है। लगभग माने तो महीने की रोज की कितनी कॉइन बढ़ती है? और तो बिक्री के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी बिक्री होती है उसी पर लगभग करीब करीब इनकम बिक्री कम से कम 3-4 लाख रुपए की बिक्री का नुकसान होता है पर डे बारिश से। हाँ बारिश। बबलू बबलू, ये कौन सा रास्ता है, कहाँ था ये? स्टेशन रोड जाता है रास्ता। क्या दिक्कत आती है यहाँ पर? यहाँ पे गड्ढा गुड्डू है, पानी भर जाता है, दिक्कत होती है, आदमी बाइक से आते गिर जाते हैं। क्या समस्या सीवर को है? सीवर कहाँ सीवर है बताइए? सीवर बना हुआ सफाई तो नहीं होता है, पानी भर जाता है, गंदगी होती है। कितनी बार रोड बन चुकी होंगी यहाँ पर? अरे 2-3 दफ़े हो चुकी है। सीवर समस्या से रोड खराब है? हाँ, और क्या, सीवर खराब है इसलिए तो पानी भर जाता है, रोड खराब है। क्या चाहते हैं आप? अरे सही हो जाए, दिक्कत नहीं होने चाहिए किसी को। सुरेंद्र सेठ। क्या करते हैं आप? हम रनिंग रूम में काम करते हैं। ये रोड कौन सा है, कहाँ जाता है, क्या दिक्कत आती है यहाँ पर? यहाँ पर यही दिक्कत है कि गड्ढा बहुत हो गया है, पानी जमा हो गया बारिश का, यहाँ पर निकलने आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। ये रोड कहाँ जाता है? ये रोड कैंट स्टेशन जाता है और लोहरतारा की तरफ जाता है। कितने पब्लिक आते होंगे, पसंद आते होंगे, कितनी गाड़ियाँ जाती होंगी? अरे दिन भर में मान लीजिए 1000 गाड़ी आती जाती है। कभी कोई हादसा होने का? अभी आज सुबह एक एक्सीडेंट हो गया है ब्रिज के नीचे, इधर से एक टेम्पो जोर से गया है, वहाँ से दूसरा टेम्पो आया है, ओवरटेक करने के चक्कर में पलट गया टेम्पो। हाँ क्या गड्ढा रोड पे? तो गड्ढा नहीं था लेकिन हाई स्पीड की वजह से वो लोग गिर गए। स्पीड थोड़ा कम करके लोग बाइक चलाएं, हमारी यही गुजारिश है। थैंक यू। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।